आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर ऑल इज नॉट वेल होता हुआ नजर आ रहा है। जहां कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन आज सचिन पायलट पर निगाहें हैं कि उनके दौसा दौरे में क्या कुछ हो जाएगा। जनसभा में नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं सचिन पायलट। 10 बजे स्वर्गीय राजेश पायलट को सचिन पायलट श्रद्धांजलि देंगे, उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे और जनसभा में पायलट परिवार साथ रहेगा। तो पिछले काफी समय से राजस्थान में ऑल इज नॉट वेल की बात सामने आ रही थी, लेकिन इसी कड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बैठक हुई। राहुल गांधी मौजूद थे और दोनों को समझा बुझाकर घर भेजा था कि कर्नाटक में जिस तरह से जीत हासिल हुई है वैसा ही इतिहास दोहराए राजस्थान विधानसभा चुनाव में। लेकिन आज सब लोग की निगाहें, क्योंकि सचिन पायलट पिछले काफी समय से बागी तेवर अपना रहे हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला था और राजस्थान के भिन्न भिन्न जिलों में जाकर प्रोटेस्ट भी किया था और यह कहकर पल्ला झाड़ा कि सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि उन व्यवस्थाओं के खिलाफ है जो कहीं ना कहीं आम लोगों तक व्यवस्थाओं को पहुंचने नहीं दे रही। अब आज देखना बेहद खास होगा कि सचिन पायलट जब दौसा का दौरा करेंगे, लोगों को संबोधित भी करेंगे, तो क्या कुछ उनके मुख से निकलेगा, क्या सरकार के खिलाफ वो कुछ बोलेंगे, नई पार्टी का ऐलान करेंगे या कुछ डिमांड ही रख दें अपनी राज्य सरकार की इकाई से, या फिर कुछ नया बड़ा ऐलान कर दें। मौजूदा वक्त में ऑलरेडी गहलोत सरकार राहत शिविरों का आयोजन कर रही है ताकि राजस्थान की प्रदेश की जनता को भिन्न भिन्न योजनाओं का हर स्तर पर लाभ मिले। लेकिन दूसरी तरफ देखना बेहद खास होगा कि सचिन पायलट आज क्या कुछ खास ऐलान कर देंगे।